गया है और 22 जून नाम वापस करने की आखिरी तारीख है। अब आपको ये बता देते हैं कि प्रदेश के 343 निकायों में चुनाव हो रहे हैं, 16 नगर निगम और 76 नगर पालिकाओं में चुनाव है। जबकि आपको बता दें कि मतदाता 255 नगर परिषद में भी अपने मत का प्रयोग करेंगे। तो आज से भरे जाएंगे नामांकन फॉर्म, निकाय चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, प्रत्याशी भर सकेंगे ऑनलाइन नामांकन। तो कुछ ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं, 18 जून तक नामांकन के जो फॉर्म है वो जमा होंगे। टाइमिंग की बात करें तो सुबह 10:30 बजे से दोपहर 3 बजे तक नामांकन दाखिल करने का समय रखा गया है। 22 जून को नाम वापस लेने की आखिरी तारीख रखी गई है। 16 नगर निगम 76 नगर पालिकाओं में ये चुनाव होने जा रहा है, 255 नगर परिषद में ये चुनाव होगा। तो आज से निकाय चुनाव की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है और किस तरह का ये प्रोसेस रहने वाला है, कब कब और क्या कुछ डेट है वो हम आपको इस ग्राफिक के जरिए बता रहे हैं, क्योंकि आज से जो नामांकन के फॉर्म है वो भरे जाएंगे और प्रत्याशी ऑनलाइन ये फॉर्म भर सकते हैं, नामांकन कर पाएंगे। और उसके साथ डेट की बात करें तो 18 जून तारीख है जब जमा होंगे नामांकन फॉर्म। 18 जून तक ये फॉर्म जमा हो सकते हैं। सुबह 10:30 बजे से दोपहर के 3 बजे तक नामांकन दाखिल करने का समय भी रखा गया है। वहीं आखिरी तारीख की बात करें तो 22 जून नाम वापसी की आखिरी तारीख है। साथ ही बताएं आपको कि 16 नगर निगम 76 नगर पालिकाओं में चुनाव है। इसके साथ ही बात करें परिषद चुनाव की तो 255 नगर परिषद में चुनाव है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कुलभूषण हमारे साथ जुड़ गए हैं भोपाल से। कुलभूषण, क्या कुछ जानकारी आ रही है, किस तरीके का प्रोसेस रहने वाला है, कब कब क्या तारीखें रखी गई हैं, कब कौन सी तारीख को नाम वापस लिया जा सकता है, तमाम अपडेट विस्तार से जानना चाहेंगे कुलभूषण। देखिए, मध्यप्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है और ऐसी स्थिति में अगर हम बात करें तो जहां कांग्रेस ने 16 नगर निगम में से तकरीबन 15 ऐसी नगर निगम की सीटें हैं जहां पर महापौर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। रतलाम सीट पर लगातार जो है मंथन जारी है और जल्द ही जो है रतलाम सीट को लेकर भी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी और उसके बाद जो है कांग्रेस रतलाम सीट में भी अपना कैंडिडेट डिक्लेयर कर देगी। लेकिन अगर वहीं बीजेपी की बात करें तो चुनाव की तारीख के ऐलान के बाद लगातार जो है कांग्रेस में चिंतन बैठक और सर्वे की जो बात कही जा रही थी और प्रत्याशियों की घोषणा कांग्रेस ने बीजेपी के पहले कर दी। आज कोर ग्रुप की बैठक रखी गई है शाम को प्रदेश बीजेपी कार्यालय में। प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा सहित तमाम जो संगठन के पदाधिकारी हैं वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी आज शाम को प्रदेश बीजेपी कार्यालय पहुंचेंगे, यहां पर बैठक में शामिल होंगे। मध्यप्रदेश की जो 16 नगर निगम की सीटें हैं इन पर जो है प्रत्याशी चयन को लेकर जो है मंथन किया जाएगा। इसके साथ ही ओबीसी वर्गों को कैसे 27% से अधिक टिकट 16 सीटों पर दिए जाए इसको लेकर जो है विचार विमर्श आज की बैठक में की जाएगी और इस बैठक में मुख्य रूप से मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी, संगठन प्रभारी, संगठन महामंत्री इस बैठक में मौजूद रहेंगे। वहीं अगर हम मध्यप्रदेश की बात करें तो आज से जो है नामांकन की प्रक्रिया नगरीय निकाय चुनाव को लेकर शुरू होंगी और इसके साथ ही 10:30 से दोपहर 3 बजे तक का समय रखा गया है। मध्यप्रदेश की अगर हम बात की करें तो मध्यप्रदेश में 16 नगर निगम की सीटें हैं। इसके साथ ही 347 निकायों में जो है चुनाव होना है, 76 नगर पालिका है और 255 नगर परिषद में जो है चुनाव होने हैं। बिगुल बज चुका है चुनाव का और ऐसी स्थिति में जहां मौसम में तपिश और गर्मी देखी जा रही है तो वहीं राजनीतिक तपिश भी जो है अब जोरों शोरों से बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसके साथ ही लगातार जो पार्षद कैंडिडेट हैं जो दावेदारी करते हुए नजर आ
आ रहे हैं उनकी भीड़ भी जो है प्रदेश बीजेपी कार्यालय कांग्रेस कार्यालय में देखने को मिल रही है। प्रतिदिन तकरीबन हम ये कह सकते हैं कि 500 से अधिक जो बायोडाटा है वो कार्यकर्ताओं का पहुंच रहा है और अब 2 से 3 दिन के अंदर जो है पार्षद प्रत्याशियों की सूची भी बीजेपी और कांग्रेस जारी कर देगी, क्योंकि 2023 के विधानसभा चुनाव के पहले सत्ता का सेमीफाइनल मैच है और ऐसी स्थिति में बेहद ही महत्वपूर्ण ये चुनाव होते हैं, छोटे चुनाव होते हैं, गली मोहल्ले के चुनाव होते हैं, ग्रामीण स्तर के चुनाव होते हैं, यहाँ से जो भी पार्टियां होती हैं उन पार्टी की जमीनी हकीकत क्या है, वास्तविक स्थिति क्या है, कितने गहरे पानी में पार्टियां हैं, इसका जो है अंदाजा लगाया जाता है और उसके बाद जो है यहां पर हम ये कह सकते हैं कि पार्टी उस हिसाब से विधानसभा चुनाव की तैयारी करेगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन्हें टिकट नहीं मिला है, बेहद ही कम समय रहता है, जुलाई में परिणाम सामने आएंगे, जुलाई में वोटिंग होनी है नगरीय निकाय चुनाव को लेकर, नगर पंचायत की वोटिंग होनी है, लेकिन एक साल के अंदर ही जो लोग नाराज हुए हैं जिन्हें महापौर या पार्षद का टिकट नहीं मिला है उन्हें कैसे मनाया जाएगा, ये एक बड़ी चुनौती दोनों ही पार्टियों के सामने रहेगी, क्योंकि मध्यप्रदेश में तकरीबन 7 साल बाद जो है नगर निगम नगरी निकाय और पंचायत के चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में जहां कार्यकर्ताओं में एक जोश देखने को मिल रहा है तो वहीं जो सिर्फ टव्वल जैसी स्थिति कांग्रेस में बनी हुई थी, जो लगातार इस्तीफे के दौर कांग्रेस में जारी है, तो अब इन इस्तीफों को कैसे रोका जाए, कैसे कार्यकर्ताओं को मनाया जाए, एक ये बड़ी चुनौती कांग्रेस के पास सामने है। बीजेपी के संगठन की बात करें तो एक कैडर है, संगठन मजबूत है। कल ये मध्यप्रदेश में जो तस्वीर हमने देखी कि मुख्यमंत्री के साथ प्रदेश अध्यक्ष सहित तमाम कैबिनेट के मंत्री विधायक बूथ में पहुंचे और मध्यप्रदेश के तकरीबन 65,000 से अधिक बूथों पर उन्होंने विजय संकल्प लिया, तो कहीं ना कहीं बूथ के साथ बीजेपी का कैडर काम कर रहा है, बीजेपी का संगठन काम कर रहा है, लेकिन कांग्रेस के सामने दिन प्रतिदिन जो है चुनौतियां सामने आ रही है, उस चुनौती का सामना कांग्रेस कैसे करेगी अब यह देखने वाली बात होगी। ठीक है कुलभूषण, बहुत शुक्रिया। सब मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।